हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर पीएम मैम। तो नीट 22 का एग्जामिनेशन अभी 17 जुलाई को हो गया है एंड मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आर वेरी क्यूरियस टू नो। एंड सभी को लगता है ना कि देखे कि कैसा पेपर आया, कहाँ से पेपर आया। तो आई वॉन्टेड टू टेल यू कि मेरे नोट्स में से कितने क्वेश्चन आए, है ना। तो मैंने जो नोट्स बनवाए आपको क्लास में, मैंने जो आपको क्लास में पढ़ाया है, उसमें से कितने क्वेश्चन आए। हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे। 100 क्वेश्चन से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी एक बार पेपर को सॉल्व करते हुए बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है ना। लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे कि 100 में से जो कितना क्वेश्चन जो है बेटा वो हमारे नोट्स में से आया है। एंड ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, एक एक नोट्स का स्क्रीनशॉट अटैच किया जाएगा अगर कोई क्वेश्चन नोट्स में से आया है तो। आप अपनी काउंटिंग करते रहना, अपनी काउंटिंग को बरकरार रखना सो दैट वी कैन नो कि 100 में से कितना क्वेश्चंस हमारे नोट्स में से आया है। काउंट करते रहोगे ना, चैताली, दिव्यांग, स्वप्निल, अनामिका। तो ये वाला जो बेटा वीडियो है वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, यू नो शी हैज़ हेल्प्ड मी टू मेक दी स्लाइड्स जो क्लास में रेगुलर रहती थी, है ना। एंड उसे पता है कि कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ से मैंने जो पढ़ाई थी एग्ज़ाम में आई है, उसने बिल्कुल हेल्प करी है मेरी इस स्लाइड को बनाने में। तो चलो बिना किसी टाइम के हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, है ना। लेट अस सी ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्या आप लोग रेडी हो, रेडी स्टडी गो कर दें? क्या जानना चाहते हो कि 100 में से कितना क्वेश्चन हमारी मॉक से आया कि नहीं? चलो देन लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन जो आया था कि जो ट्रांसलेशन है एमआरएनए का प्रोटीन्स बनाता है कैसे शुरू होता है, तो वो शुरू होता है जब क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच होता है एमआरएनए से। क्या ये मैंने आपको क्लास में बनाया था? तो देखो जरा यहाँ पे आके, यहाँ पे बताया है कि ये जो स्मॉलर सब यूनिट है ना एमआरएनए, यहाँ पर जाके क्या होता है, राइबोसोम के अटैच होता है। मतलब पहला वाला क्वेश्चन हमारे नोट्स में है। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर को कौन रिमूव करता है। तो ये वाली स्लाइड्स आपको याद आ रही है, मैंने आपको क्लास में बताया था, है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो 99% पार्टिकुलेट मैटर है थर्मल पावर प्लांट से, ये कौन रिमूव करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव करता है। यानी कि ये वाला क्वेश्चन भी कहाँ से आया है, ये वाला क्वेश्चन भी है ना हमारे नोट्स में से आया है। थर्ड पे आ जाओ, इन करेक्टली मैच, यानी कि हमें सारी एल्गी का जो है फूड पता होना चाहिए। तो आप ये देखो कि मैंने जब ग्रीन एल्गी का बताया कि पाइरिनोइड्स होते हैं, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड बताया, फिर मैंने आपको ब्राउन एल्गी का बताया और साथ में सबका एग्जाम्पल लिखवाया, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे नोट्स में से आया है कि जो यूलॉथ्रिक्स है उसमें क्या होगा, यूलॉथ्रिक्स में मैनिटॉल नहीं होगा। मैनिटॉल किस में होगा, ब्राउन एल्गी में होता है बेटा मैनिटॉल, लेमिनेरिया। देखो यहाँ पे लिखवा रखा है मैंने, लेमिनेरिया और मैनिटॉल इज द पार्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारी नोट्स से आया, हाइड्रोकोलॉइड। तो ये जो हाइड्रोकोलॉइड वाला क्वेश्चन था कि एल्गिन, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी से कैरेजिन मिलता है, ये भी हमारे नोट्स में से था बेटा। फिर आ जाओ इधर, कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रिडेशन। तो आखिर ये वाला जो है कि दोनों नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं, ये प्रिडेशन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि क्लास में बताया है कि एक स्पीशी का फ़ायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशी का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे नोट्स का है। दूसरे पे आ जाओ कि जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है C4 प्लांट का, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट मीजोफिल सेल में है, मीजोफिल सेल में रुबिस्को नहीं है। क्या ये मैंने आपको लिखवाया था क्या? देखो तो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट का PEP है इन मीजोफिल सेल, ठीक है। तो बिल्कुल लिखवाया है, एंजाइम पैपकेज लिखवाया है, ठीक है। थैंक यू बेटा श्रुति, थैंक यू उमेश, सनशाइन। फिर एलनस में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, तो एलनस में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है बेटा, ठीक है, फ्रैंकिया है, फ्रैंकिया है, दिख रहा है आपको, फ्रैंकिया, समझ आ रही है मेरी हैंडराइटिंग, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे नोट से है, भले ही हैंडराइटिंग गलत है तो क्या हुआ। DNA पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, तो जब मैं आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा रही थी तो मैंने यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ पॉली
पॉलीमॉर्फिज्म बताया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पॉलीमॉर्फिज्म है। फिर आ जाओ डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, तो मैंने आपको लिखवाया है कि कौन कौन प्लास्टिसिटी शो करता है। ठीक है, ये रहा प्लास्टिसिटी की हेडिंग, कॉटन, कोरिएंडर, लार्क्स पर, मेज नहीं लिखवाया है ना, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे नोट्स से था। नेट गेन ऑफ एटीपी बताना है ना, जब ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बनता है। तो जब मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको इस तरीके की स्लाइड वाली नोट्स बताई थी, है ना, तब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो नेट एटीपी होती है वो किस पे डिपेंड करती है। मैंने इनफैक्ट आपको शटल्स तक बताए थे कि यहाँ पे 2 ATP है, यहाँ पे 3 ATP बन रही है, एयरोबिक में 8 ATP या 6 ATP हो सकती है ना, लेकिन सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में क्या है, नेट ATP 2 है। ठीक है, फिर क्या मैंने आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाली ओल्ड ट्री का डार्क ब्राउन ये सब बताया था क्या? तो मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखवाया था हार्ट वुड का और सैप वुड का। मैंने बताया था कि जो पेरीफेरल रीजन है सेकेंडरी जाइलम का वो सैप वुड है, और मैंने आपको बताया था कि जो डेड एलिमेंट्स हैं जो सेंटर में हैं, ऑयल, गम, रेजिन जैसे जिसमें मेटाबोलाइट है, वो हार्ट वुड में है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने NCERT का बिल्कुल अच्छे से लिखा है, वेरी गुड प्राप्ति। फिर क्या जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं, क्लास में आपको याद है मैंने याद करवाया था पी गुलमोहर बीन केशिया, पी गुलमोहर बीन केशिया, देखो पी गुलमोहर बीन केशिया क्या है, जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है कहाँ से आया है, मॉक हमारी नोट्स से आया है। ठीक है, अब ये वाला है कि एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लेस देन 7%, क्या ये हमारे नोट्स में था? साफ साफ था कि फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस वेरी लेस एनर्जी, लेस देन 7%, लेस एफिशिएंट है, हजार्डस प्रोसेस है इन द टर्म्स ऑफ द ATP प्रोडक्शन। नेक्स्ट पे आते गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या करता है। ठीक है, तो देखो इथाइलिन के बारे में मैंने लिखवाया कि ये गैशियस है, फिर मैंने बताया कि रूट ग्रोथ, रूट हेयर का फॉर्मेशन, सरफेस एरिया बढ़ाना, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए यही करता है। कोमल भी क्लास में आई है बेटा, ठीक है, कोमल ने हेल्प करी है बेटा मेरी ये स्लाइड्स बनाने में, है ना, शी यूज़ टू बी वेरी रेगुलर इन दी प्लस क्लास, और उसने मेरी हेल्प करी है बताने में कि हाँ हाँ ये सारा नोट्स मतलब कौन सा क्वेश्चन कहाँ लिखा था। ठीक है, फिर आ जाओ बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ, इनकरेक्ट अबाउट पॉलिनेशन। तो जब पॉलिनेशन पढ़ाया था तो चारों स्टेटमेंट बताए थे, है ना, कि ए बायोटिक एजेंट में विंड सबसे ज़्यादा कॉमन है, एंटोमोफिली में इंसेक्ट से होता है, और 80% कौन होती है, हनी बीज होती है, ना कि मौत होती है। फाउल ऑर्डर किस में से आती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, फ्लाइज और बीटल्स को। तो ये सारा जो करेक्ट इनकरेक्ट है चारों स्टेटमेंट वी हैव रिटन। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन बायोडाइवर्सिटी लॉस से रिलेटेड है, देखो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन ये सब बताया है कि बायोडाइवर्सिटी का कैसे कैसे लॉस होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल साइट्स हैं जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है, देखो लिखा है मैंने यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। ठीक है, स्टिल लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, यानी कि ये वाला भी किस में से है, हमारे नोट्स में से है। ठीक है, तुम काउंट करते रहना कि कौन सा क्वेश्चन नोट्स में से नहीं है। ठीक है, आई एम काउंटिंग ऑन यू कि तुम ध्यान रखोगे कि क्या क्वेश्चन नोट्स से था क्या नहीं था। फीमेल फ्लावर्स इन दी कुकुम्बर, तो देखो फीमेल कैरेक्टर इन दी कुकुम्बर इथाइलिन में लिखवाया गया है। ठीक है, फिर आ जाओ नॉट XC2, कौन सा XC2 नहीं है, तो देखो मैंने पूरा XC2 कंजर्वेशन बताया, फिर बताया मैंने कि क्या क्या XC2 है, इस तरह मैंने आपको In-Situ भी लिखवाया और बताया कि जो नेशनल पार्क है वो In-Situ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, क्या हमने ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था, क्या इल्यूशन पढ़ा था, क्या इथिडियम ब्रोमाइड पढ़ा था, क्या क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पढ़ा था, तो देखो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इथिडियम ब्रोमाइड पढ़ा था। ठीक है,
फिर हमने यहाँ पे ये इल्यूशन, मेरे पीछे दिख रहा होगा तुम्हें, देख लो देख लो, हमने इल्यूशन भी पढ़ा था, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट्स है इसके बारे में, इथीडियम ब्रोमाइड है, क्या हमने यूवी लाइट पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, सारी बातें हमने नोट्स में लिखी थी। अब आ जाओ करेक्ट अबाउट यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन, तो मैंने आपको एक डिफरेंस लिखवाया था कि यू क्रोमैटिन मतलब लूजली पैक, लाइट स्टेन, एक्टिव, और हेट्रो यानी कि डेंस है, डार्क है, इनएक्टिव है, ठीक है। फिर सारे मिनरल्स के बारे में तो डेफिनेटली हमने लिखा ही था, है ना, सारे मिनरल्स के बारे में लिखा था, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, बोरोन, एक एक लाइन लिखी है जो एग्ज़ाम में आई है ना बेटा, कि फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी कौन है, कैटलेज, देखो कैटलेज पे तो मैम ने स्टार बनवाया है, मतलब अगर तुम क्लास में आते तो ये वाला जो कैटलेज वाला दिख रहा है तुम्हें कि कैटलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, क्लास में मैम ने स्टार बनवाया है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मैम ने क्लास में स्टार बनवाया है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। पोलन जर्मिनेशन, मैम ने क्लास में स्टार बनाया, यानी कि तीन जो स्टार लगाए थे वही मैच द कॉलम में आए, है ना, वही मैच द कॉलम में आए। फिर उसके बाद देखो अपन ने क्या पढ़ा था, पीसीआर और एम्पीसिलीन रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो देखो एम्पलीफिकेशन होता है पीसीआर से, ठीक है, और सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलीन रेजिस्टेंस जी। नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोसिस सेल डिवीजन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होती है, क्योंकि पेयरिंग कहाँ पे है, मियोसिस में है, देख रहे हो, मियोसिस में मैंने लिखवाया है कि पेयरिंग होगी। फिर आ जाओ एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, देखो जरा यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का क्वेश्चन आया था ना कि किसमें होती है, एपोप्लास्ट में नहीं होती है, वी हैव रिटन दिस इन द सिम्प्लास्ट कि सिम्प्लास्ट में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। ये भी नोट्स में से है, ये भी तो नोट्स में से है, खुशी हो रही है कि नहीं उन फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जो क्लास में डेली आते हैं और नोट्स बनाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लिस्टोगैमस देखो, है ना बेटा, थोड़ी हैंडराइटिंग पे मत जाना मैम के, मैम बिल्कुल डॉक्टर और टाइप का ही लिखती है ना कि कोई नहीं पढ़ पाता है। क्लिस्टोगैमस और चैज्मोगैमस यहाँ पे बताया मैंने, ठीक है, ऑटोगैमी के बारे में मैंने बताया है। चलो अब अगला आ जाओ गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में, क्या हमने नोट्स में लिखा है, क्या बिल्कुल लिखा है कि फूड ट्रांसपोर्ट होता है, और तुम देखो एग्जैक्टली वही लाइन लिखी है जो पेपर में आंसर था, फूड इज ट्रांसपोर्टेड, मैम ने क्लास में क्या लिखवाया, फूड इज ट्रांसपोर्टेड। लाइन जो है ना बेटा, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आया है। फिर एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें, ग्रास ऑपर में, क्या मैम ने लिखवाया था, क्या एक्सो टाइप इंसेक्ट ग्रास ऑपर, मैम ने ये भी लिखवाया बेटा। हाउ इज 23 आर्मी फीलिंग, 23 वालों को फीलिंग आ रही है कि क्या बात है मैम, सारा क्वेश्चन अभी तक 30 का 30 नोट्स में से आया, ये वाला क्वेश्चन आपको बोनस मिलेगा। ऑल्दो मैंने मेरे नोट्स में ये भी लिखवाया है कि कॉन्जॉइंट कौन सा होता है, रेडियल कौन सा होता है, ठीक है, फिर ये मोर देन सिक्स जाइलम बंडल, ये जो है पॉलीआर्क, ये मोनोकॉट के रूट में मिलता है, फिर ये मैंने लिखवाया है कि एंडार्क स्टेम, एग्जार्क रूट, सारा पॉइंट्स लिखवाया है। फिर आ जाओ डाई एडल्फस स्टेमन, डाई एडल्फस स्टेमन बताओ लिखवाया है क्या, बिल्कुल लिखवाया है कि डाई एडल्फस स्टेमन जो होता है पी में मिलता है, डाई एडल्फस पी में मिलता है, ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं देख के कि ये भी हमने लिखा था, ठीक है। अब इधर आ जाओ डीकम्पोजिशन के बारे में, डीकम्पोजिशन के बारे में कि डेट्रियस लिग्निन और काइटिन वाला कैसा होता है, तो जो लिग्निन और काइटिन वाला होता है ये स्लो होता है। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल डीकम्पोजिशन, ठीक है ठीक है। फिर इधर आ जाओ, क्या ये लिखा था हमने, सिट्रस, बोगनविले, एक्सिलरी बर्ड, ओपनशिया, राइजोफोरा, ग्रास, ये सब। अब देखो स्टेम का मॉडिफिकेशन बताया था कि जो स्टेम से जो थॉर्न बन रहा है, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड सिट्रस में, बोगनविले में देखने को मिल रहा है तुम्हें, सिट्रस और बोगनविले में। फिर ओपनशिया वाला तुम्हें दिख रहा है, सारा इधर अपन ने लिखा है,
How are you feeling? Feeling very confident on your notes. Exoskeleton of arthropods. Exoskeleton of arthropods. ठीक है, तो ये देखो जरा काइटिन और ये देखो जरा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड. अब अगले पे आ जाओ. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स नॉट, नॉट ट्रू बताना है. तो अपन को यहाँ पे बता दिया मैंने कि यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ क्या हो रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट हो रहा है. प्रोटॉन ग्रेडियंट, चीजें कहाँ से कहाँ जा रही है ये भी बताया है, ल्यूमन से स्ट्रोमा. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना क्लियर है. मेंडल जी के बारे में आपने बताया है कि नहीं, कि 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे. कौन कौन से ट्रेट थे? बिल्कुल बताया है, देखो कि 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे. बिल्कुल बताया है कि कौन कौन से ट्रेट थे. फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा. तो इसका स्क्रीनशॉट हम ऐड करना बेसिकली भूल गए, पर ये हमने लिखवाया है ना. एक्चुअल में इसका मैं स्क्रीनशॉट करना बेटा मुझसे मिस हो गया है. ठीक है, ये मैं भले आप लोगों को टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी कि कहाँ पे मैंने ये जो लाइफ साइकिल्स हैं ब्रायो की, टेरिडो की, है ना, सबका एक्चुअल में अलग अलग लेके लगाना था, ये मिस हो गया, ये भी करवाया है. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. क्या अर्ली वुड, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड बताया है क्या मैम? ये अर्ली वुड, लाइट वुड, स्प्रिंग वुड. तो देखो आ जाओ जरा, स्प्रिंग वुड, लाइट कलर, लो डेंसिटी, ऑटम वुड भी बताया है. क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताई थी कि कौन सी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है? बिल्कुल बताई थी कि GAA TTC होती है. तो जरा कमेंट बॉक्स में मुझे कोई बच्चा बताएगा कि अभी तक कितना क्वेश्चन ऐसा आया जो मैंने नहीं करवाया था, बताओ. मैंने नोट्स में नहीं लिखवाया था. ठीक है, एक भी बताओ ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया क्या जो मैम ने नहीं लिखवाया था. नेक्स्ट पे आते हैं बेटा. चलो फिर अपन को बताना है ये पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में कि प्लस माइनस किसका है. तो प्लस माइनस किसका है? प्रीडेशन का है. अगले पे आ जाओ. मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसके लिए था? क्लोजली वाला इंडिपेंडेंटली होता है, ये सब किसके लिए था? तो देखो, जीन्स जो टाइटली लिंक्ड होते हैं इनमें मिनिमम रिकॉम्बिनेशन आता है, लूजली लिंक्ड में हायर आता है. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बताता था? तुम देख रहे हो, डज नॉट होल्ड गुड फॉर द लिंकेज. देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, नॉट गुड फॉर लिंकेज, एक्सेप्शन है लिंकेज. ठीक है, तो दिस ऑल्सो वी हैव रिटर्न. फिर ये वाले पे आ जाओ. क्या पूछ रहा है? फॉल्स फ्रूट के बारे में पूछ रहा है. ठीक है, तो हमने लिखा कि जो फॉल्स फ्रूट है उसका क्या है बेटा? एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, थैलेमस से बना है, ये भी हमने लिखा है. मेटासेंट्रिक, एक्रो, सब, टीलो लिखा है कि नहीं लिखा है नोट्स में? ये देखो, मेटा, एक्रो, टीलो, सब मेटासेंट्रिक. सॉल्यूट डालने से क्या होता है? क्या एग्जैक्टली लिखा है क्या कि सॉल्यूट डालने से क्या होता है? तो देखो, एग्जैक्ट मैम ने लिखवाया, तुम्हें दिमाग भी नहीं लगाना था. एडिशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, तो मोर नेगेटिव सॉल्यूट पोटेंशियल हो जाएगा. मतलब साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है. फॉस्फोरस साइकिल कैसे एक्सेलरेट होगी? तो ये फॉस्फेट, फॉस्फोरस साइकिल, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स. नेक्स्ट पे आता, ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट. तो पूरी पेडिग्री आपको मैंने ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट की बना के बता दी थी कि इसका एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है. और इनफैक्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ऑटोसोम डोमिनेंट, ये तो मैंने यूट्यूब पे पेडिग्री एनालिसिस में तुम्हें पढ़ाया है. ठीक है, अब लेसिथिन के बारे में, सैचुरेटेड के बारे में, ऑयल के बारे में बताया है कि नहीं बताया है? ये देखो, लेसिथिन के बारे में, ठीक है, लिपिड्स के बारे में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ऑयल के बारे में, जिंजली ऑयल, सब क्लास के नोट्स में लिखा है. रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल C4 प्लांट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है. तो C4 प्लांट में क्रैंज एनाटमी, बंडल शीथ सेल लार्ज होते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं? कैल्विन साइकिल इनमें चलती है. फिर CNG और डीजल का कंपैरिजन देखो, एडवांटेज की बर्न करती है एफिशिएंटली, चीपर है, थीव्स चुरा नहीं सकते, एडल्टरेशन, चारों एडवांटेजेस लिखवाए. ट्रांसपोजोन्स के बारे में आपने नोट्स में बताया था कि नहीं? तो ये देखो बेटा,
कि ये रहा तुम्हारा साइलेंसिंग और ये रहा ट्रांसपोजोम्स. बताया है कि जो ट्रांसपोजोम्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स है और वो साइलेंसिंग में हेल्प करते हैं, ये भी हमने बताया. इसी बात पे बेटा सेशन को जरा तुम लाइक करो. ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हें पता है बहुत लोगों से नहीं बना है ना, इन्हें लगा कि पता नहीं एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है कि सीक्वेंस एनोटेशन कहाँ होती है. तो ये लिखा है कि सीक्वेंस एनोटेशन का क्या मतलब होता है. फिर आ जाओ जरा ऑस्टियोपोरोसिस बताया कि नहीं कि फ्रैक्चर होते हैं, ईस्ट्रोजन का क्या लेवल होता है. ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन कम रहता है तब, ये भी लिखवाया है. फिर बताओ कि माल्टोज का फॉर्मूला लिखाया है कि नहीं. तो मैम ने आपको बताया है कि जो माल्टोज है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनती है ना. और फिर फॉर्मूला बताया है कार्बोहाइड्रेट का, ये भी कैलकुलेट करना सिखाया है. क्रॉप और गिजार्ड बर्ड्स में होते हैं, बताया था कि नहीं बताया था. तो एव्स हैं यानी कि बर्ड्स हैं, उसमें क्रॉप और गिजार्ड होते हैं. और फिर बर्ड्स के सारे नाम लिखवाए थे और ट्रिक भी बताई थी याद करने की. इनकरेक्ट बताना था कि स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होता है, सेंट्रोमियर पे होता है क्या. काइनेटोकोर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, देखो लिखवाया है नोट्स में, ठीक है. और बताओ बेटा क्या आपने बताया है कि इनकरेक्ट है कि प्रोकैरियोट में आरईआर एब्सेंट होता है. आरईआर क्या होता है, एसईआर क्या होता है, ठीक है. तो देखो प्रोकैरियोट में बताया है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होती है. फिर सेल चैप्टर में पूरा आरईआर एसईआर एक्सप्लेन किया है. चलो इनकरेक्ट बताना है कि डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में ये सब. तो देखो यहाँ पे साफ लिखा है कि डीएनए रेप्लिकेशन मियोसिस वन में, ठीक है. और डीएनए रेप्लिकेशन या मियोसिस टू लिखा है, मतलब ये गलत है. लिखा है कि नहीं नोट्स में. तो ये बच्चा बेटा जो डेली क्लास में आता है ना, जैसे कोमल डेली क्लास में आती, कोमल ने कभी क्लास मिस नहीं करी, उसको पता है मैम ने कहाँ पे क्या लिखवाया है. उसने एक एक स्लाइड मेरे को बता दी कि देखो मैम यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है. उसने बनाई ये स्लाइड्स कि कहाँ पे कौन सी चीज़ थी पूरे कोर्स की, बिकॉज शी न्यू कि मैम ने लिखवाया है. क्या मैंने बायो फोर्टिफिकेशन पढ़ाया था क्या, बिल्कुल बिल्कुल बायो फोर्टिफिकेशन बताया था. टेगमाइना बताया था का कि कहाँ होता है. तो देखो एक क्यूटी पटूटी कॉकरोच बताया था. और फिर मैंने बताया था कि ये जो टेगमाइना है ये कहाँ पे है, मीजोथोरैक्स में. फोर विंग्स को टेगमाइना बोला है. फिर बताओ फैटी एसिड ग्लिसरॉल लैक्टियल्स काइलोमाइक्रॉन. देखो फैटी एसिड ग्लिसरॉल काइलोमाइक्रॉन पूरा बना बना के समझाया कि कैसे होता है. फिर क्या आपने हमको स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब बताया था क्या, क्या स्पर्मिएशन नोट्स में लिखवाया था क्या. स्पर्मियोजेनेसिस का लिखवाया था, स्पर्मिएशन लिखवाया था, पूरा पूरा डेफिनेशन लिखवाया था बेटा क्लास में मैंने आपको. क्या आपने इन सीटू कंजर्वेशन एग्जैक्टली ऐसा लिखवाया था क्या. तो देखो मतलब तुम लाइन देख रहे हो एनसीईआरटी की, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व होल इकोसिस्टम, वी कंजर्व होल इकोसिस्टम. मतलब लाइन एग्जैक्ट बताइए मैंने कि होल इकोसिस्टम आ रहा है, मतलब इन सीटू है. क्या मैंने आपको माइकोप्लाज्मा बताया था क्या कि सेल वॉल नहीं है और क्या फिल्टर है. देखो सेल वॉल एब्सेंट है बताया था, 0.3 माइक्रोमीटर बताया था, सब बताया था. क्या मैंने आपको अर्थराइटिस बताया था कि इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स होते हैं. देखो टिटैनी बताया था, अर्थराइटिस बताया था, देखो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स बताया था, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी बताया था, सारी बातें बताई थी इन जिनके बारे में पूछा, सब नोट्स में लिखवाया है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑटो इम्यूनिटी, देखो रूमेटॉइड अर्थराइटिस उसी का एग्जाम्पल है, बताया है. अभी तक कितने क्वेश्चन ऐसे आए बेटा जो नोट्स में नहीं आए, क्या कोई मुझे बता सकता है कि कितने क्वेश्चन ऐसे आए एग्जाम में जो पीएम मैम के नोट्स में नहीं थे. कितना क्वेश्चन ऐसा आया एग्जाम में जो मैंने नोट्स में नहीं लिखवाया, काउंट कर रहे हो आप, कर रहे हो कि नहीं. अब ई कोलाई में अगर इंड्यूसर मॉलिक्यूल पे बाइंड नहीं करता है तो क्या होगा. तो देखो मैंने दोनों बताया, जब बाइंड कर रहा है और जब बाइंड नहीं कर रहा है. तो देखो यहाँ पे लिखा है कि ऑपरेटर से नहीं कर रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं और ट्रांसलेशन नहीं. देखो लिखा है नॉट एबल टू सिंथेसाइज, नॉट एबल टू सिंथेसाइज लिखा है कि नहीं, क्रॉस बना के.
ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे आओ, क्या आपको मैंने ऊ जेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस की चीज़ें क्लियर करी थी, कहाँ मियोसिस कहाँ माइटोसिस? देखो जैसे ऐसा स्पर्मेटोजेनेसिस बताया ना, वैसे ही ऊ जेनेसिस बताया है, कब शुरू होता है, कब मियोसिस होता है, कब मैच्योरेशन फेस लॉन्गेस्ट फेस होता है ना, एक भी नहीं निकला। अब तुम्हें पता है 100 ml में 5 ml रहता है, देखो 100 ml में 5 ml रहता है, ये सेम सेम लाइन लिखी हुई है तुम्हें, सेम लाइन। पैलेट और पेस्ट में एक्सक्रीशन कौन करता है? तो देखो पैलेट और पेस्ट में एक्सक्रीशन कौन करता है? रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल और इंसेक्ट, ठीक है। नॉट परफॉर्म्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या नहीं करती है? तो मैंने आपको बता दिया था कि सलाइवरी ग्लैंड क्या क्या करती है, ठीक है, कि उसके अंदर लाइसोजाइम है जो एंटी बैक्टेरियल है, उसके अंदर अमाइलेज है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, म्यूकस है जो लुब्रिकेट करता है, एवरीथिंग। क्या मैंने ये लिखवाया था? क्या इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन मीन? देखो लाइन देखो, इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, ये भी नोट्स में लिखवाया है। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, क्या ये लिखवाया था क्या कि 1.1 meter में क्या होता है, यहाँ पे 3.3 × 10⁻¹ होता है कि 6 होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये कैलकुलेट तो करना सिखाया था, ये वाली यहाँ पे स्लाइड नहीं है, मैंने जब आपको प्रोकैरियोट का बताया था ना, प्रोकैरियोट्स का, तब मैंने आपको 1.1 meter और 3.3 × 10⁻¹ भी लिखवाया है, ठीक है, ये चीज़ भी मैंने लिखवाई है, कैलकुलेट करना भी सिखाया है। नॉट कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? तो न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल्स हैं न्यूरोन के, और कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं ये भी बताया। क्या मैम आपने एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट लिखवाया था क्या कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट? देखो एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट लिखवाया है, एग्जैक्टली इसी स्टेटमेंट को समझाया है। क्या आपने ये हायरार्की लिखी थी क्या क्लास में हमको बताने के लिए? बिल्कुल हायरार्की लिखी थी, ये तो सभी लिखते हैं बेटा। नेक्स्ट पे आ जाओ, इम्यूनो सप्रेसिव साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। फिर यहाँ पे आओ और देखो, कहाँ देखें कि साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में लिखवाया और फिर अगले पेज पे इसको डिटेल करवाया कि हाँ यही होता है। क्या आपने इसका फॉर्मूला बताया था और इसको सॉल्व करना सिखाया था कि डेथ रेट कैसे निकालते हैं? देखो डेथ रेट टोटल नंबर ऑफ डेथ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, बिल्कुल मैम ने लिखवाया था और कैलकुलेट करवाया था क्लास में कैलकुलेट करवाया था। कोएगुलम थ्रोम्बिन स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट, तो देखो क्लॉट या कोएगुलम किससे बनता है? फाइब्रिन के फाइबर से बनता है। स्प्लीन क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, दोनों चीजें लिखवाई है। वर्टिब्रल कॉलम के बीच में क्या प्रेजेंट है? तो कार्टिलेजिनस जॉइंट, जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा, कार्टिलेज इसको जोड़ के रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट क्या नहीं करता है? डिफ्यूजन नहीं करता है। देखो कंडक्टिंग पार्ट ये करता है, और फिर मैंने आपको एक्सचेंज पाथ में लिखवा दिया कि वो डिफ्यूजन करता है। लिपीज लूप कैसी कॉन्ट्रासेप्टिव है? तो लिपीज लूप नॉन मेडिकेटेड है, देखो लिपीज लूप नॉन मेडिकेटेड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जीन थेरेपी के बारे में क्या आपने लिखवाया था क्या कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स और ये सब? देखो तो मैम ने लिखवाया था कि बट सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, क्या एग्जैक्टली इमॉर्टल वर्ड यूज करा था क्या? ठीक है, इसकी तो वैल्यू भी चेंज नहीं हुई अरबाज, और ये देखो इमॉर्टल वर्ड ही इन्होंने यूज करा कि दे आर नॉट इमॉर्टल सेल्स, हमने भी वही लिखा कि बट दे आर नॉट इमॉर्टल, बट भी लिखा हमने। तो चलो डेट्रियस को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ते हैं, उसे क्या बोलता है? डेट्रियस को स्मॉल पार्टिकल, देख रहे हो स्मॉल पार्टिकल, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। कैसा लग रहा है बेटा नोट्स को देख के कि एक एक चीज लिखी हुई थी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और लिटिल अवे कट करता है, क्या लिखवाया था आपने? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस,
लिखवाया है, फिर क्या आपने लिटिल अवे लिखवाया है क्या? ये देख रहे हो लिटिल अवे मैम ने लिखवाया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ऊ जेनेसिस कब होता है? एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है। तो ये तो मैंने यूट्यूब पे तक बताया था कि जो ऊ जेनेसिस है आफ्टर बर्थ नहीं, वो बनेंगे प्री नेटल डेवलपमेंट इसका शुरू हो जाता है। पेनिसिलियम किसमें दिखती है? जूस्पोर, रुको कहाँ पे लिखा है, सॉरी, कोनीडिया पेनिसिलियम, कोनीडिया पेनिसिलियम। नॉट डिजायरेबल फॉर क्लोनिंग वैक्टर, दो से ज़्यादा रिकग्निशन साइट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो कि अगर एक से ज़्यादा रिकग्निशन साइट होगी, ठीक है, तो जीन क्लोनिंग कॉम्प्लिकेट होगी। हर वैक्टर में एक रिकग्निशन साइट होनी चाहिए, नोट्स में लिखवाया है। देखो एग्जैक्टली ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है, ये देख रहे हो, ये वाली स्लाइड तुम्हें याद होगी, वुडन स्लाइड, ये मैंने आपको सॉल्व करना बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे पूछ ली है कि डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब कौन सी चीज़ क्या है, ग्लाइकोजन, ग्लोब्यूलिन, तो ग्लाइकोजन, ठीक है, फिर एंटीबॉडी, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, और क्या क्या पूछ लिया है, थ्रोम्बिन पूछ लिया है कि एंजाइम है, ये सारी चीज़ें पूछ ली है। इनकरेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स, तो ये देखो जरा, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स का मैंने आपको डिफरेंस लिखवाया, ठीक है। तो मैंने लिखवाया कि इलेक्ट्रिकल वाले फास्टर हैं, ये स्लोअर है, सेम वही कि कौन पास में है, कौन दूर है, कहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर यूज़ होगा, पूरा लिखवाया। अब अपन अगर बात करते हैं कार्डिक साइकिल के बारे में, तो जॉइंट डायस्टोल में आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि कहाँ से कहाँ ब्लड जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल एट्रिया से वेंट्रिकल्स में फ्रीली जा रहा है। ब्रोंकियोल, गॉबलेट, टेंडन, एडिपोज, सुनो, गॉबलेट, ठीक है, एडिपोज, सारी चीज़ें लिखवाइए, ब्रोंकियोल, सारा चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग लिखवाई है कि गॉबलेट सेल म्यूकस प्रोड्यूस करता है, ब्रोंकियोल्स में सीलिएटेड एपिथीलियम है, एडिपोज में क्या है। क्या आपने होमोलोगस और एनालोगस लिखवाया था कि फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन क्या है? तो देखो एनालोगस में मैंने लिखवाया है कि फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन एनालोगस है, ना कि होमोलोगस है। फिर हमने क्या क्या करा है बेटा इस वाले क्वेश्चन के बारे में, स्लाइम मोल्ड्स, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो हमने देखो साइनोबैक्टीरिया पूरी लिखी है, एक एक चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन करी है कि किसमें क्या देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, डायफ्राम, कॉन्ट्रासेप्टिव, आईयूडी, लैक्टेशनल एमिनोरिया, तो देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, लैक्टेशनल एमिनोरिया, आईयूडी, आईयूडी के टाइप्स, ठीक है, पूरा आपको आपकी कॉपी में मैंने ये चार्ट बना के बताया था। अब आ जाओ, क्या ये सॉल्व करना सिखाया था क्या कि ई कोलाई में N15 N14 वाला, तो देखो N15 N14 कैसे कैसे हाइब्रिड और लाइट बन रहा है, 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट वाला तो बना के भी बताया आपको, 80 मिनट वाला भी। इनकरेक्ट क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्स और एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स और एक्वायर्ड, तो देखो एक्वायर्ड पैथोजन स्पेसिफिक होती है, यहाँ पे क्या लिखा है कि नॉन स्पेसिफिक होती है, तो फिर मैंने लिखवाया है ना स्पेसिफिक होती है, तो क्या आप आंसर लगा सकते हो कि हाँ मैम ने लिखवाया है कि पैथोजन स्पेसिफिक होती है। फिर आ जाओ बेटा इंसुलिन के बारे में अपन देखते हैं कि क्या ये प्रो हार्मोन और ये कैटल और पिग और क्या ये पेप्टाइड चेन के बारे में लिखवाया है क्या, तो देखो प्रो हार्मोन, सी पेप्टाइड, एवरीथिंग मैच्योर, फंक्शनल, सब कुछ हमने यहाँ पे लिखा है। कलर ब्लाइंड वाला निकालना सिखाया है क्या, एक्स सिलेंडर रेसेसिव करके मैंने इसके इतने क्वेश्चंस करवाए कि आंसर बच्चों को याद होने लग गए थे। पैराथायरॉयड हार्मोन पढ़ा के बताया था कि ब्लड का ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है, रीअब्सॉर्प्शन करवाता है, तो देखो ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है, और अगले पेज पे सारी चीज़ें लिखी हुई है इसमें इसकी डिटेल्स। फिर आ जाओ स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, हाँ तो स्क्रबर में SO2, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, दोनों चीज़ें सेवरल थाउजेंड वॉल्ट्स, सब लिखवाया है। तो इसका मतलब ये है कि जो 100 क्वेश्चंस आए इस बार नीट 22 में से,
अब मैं नहीं बताऊंगी, अब आप बताओगे कि उस 100 में से कितना क्वेश्चन हमने क्लास के नोट्स में बनाया है। ये वाली पीडीएफ मैं आपको डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ टेलीग्राम पे, ताकि आप खुद इस चीज़ को एनालिसिस करो कि 100 में से जो 100 क्वेश्चन आए हैं वो मैम ने क्लास के अंदर करवाया है। ठीक है, तो मतलब आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। इसीलिए बोलती हूँ कि क्लास में मेरी रेगुलर आया करो, जो अनअकैडमी प्लस पे क्लास चल रही है, सारा नोट्स बनाया करो। आप 100 में से 100 सही कर सकते थे अगर आप क्लास में आते थे, और 100 में से तो 90 ही करने होते हैं एग्ज़ाम में, तो वो 90 के 90 सही करके आप बिल्कुल फुल ला सकते थे। पर ह्यूमन है, कहीं एरर हो जाता है, सिली मिस्टेक हो जाता है, पर 350 प्लस तो आप ला ही सकते थे। तो अब बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नोट्स 360 आउट ऑफ 360 है ना, कि पीएम मैम के नोट्स इज इक्वल्स टू 360 आउट ऑफ 360 है कि नहीं है बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग सेशन को लाइक करना, एंड आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर कमेंट। 360 आउट ऑफ 360 इज इक्वल्स टू पीएम मैम नोट्स, एंड देन ये वाला पीडीएफ जो है मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। एंड आई रियली वांट टू थैंक कोमल, कि कोमल ने हेल्प किया इन स्लाइड को, यू नो, स्क्रीनशॉट ले लेके ये स्लाइड बनाने में, ताकि हम बच्चों को इन नोट्स का इम्पोर्टेंस बता पाएं। ठीक है, चलो, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। तो अभी मैं क्लास यहीं ख़त्म कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर कॉमेंट्स बेटा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।